अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, टेंथ क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। उसका पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहाँ से आई। असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टाइप, इज अ काइंड। किसकी काइंड है ये? एक स्पेशल मोशन है, उसकी एक काइंड है। उस मोशन का नाम क्या है? उस मोशन का नाम आप ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? अगर कोई जिस्म अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे मोशन करे, टू एंड फ्रो मोशन, या बैक एंड फोर्थ मोशन करे, तो ऐसी मोशन एक स्पेशल मोशन है जिसका नाम ऑसिलेटरी मोशन है, या उसे वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। अब इनकी एक स्पेशल काइंड है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या उसका दूसरा नाम वाइब्रेटरी मोशन, जिसमें जिस्म क्या करता है, अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी वस्ती पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे रुक जाता है। उस मोशन की एक स्पेशल काइंड है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम तफसीलन सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ बढ़ते हैं। सो वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या है? द मोशन ऑफ अ बॉडी, कैसी मोशन? द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन के गिर्द कैसी मोशन? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन, या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। एंड इट्स काइंड, अब इनकी काइंड, इसकी टाइप है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा आज का टॉपिक है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे इर्द गिर्द हम बहुत से जिस्मों में, बहुत सी बॉडीज़ के अंदर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई जिस्म स्प्रिंग के साथ बांध दिया जाए और स्प्रिंग को एक साइड से फिक्स जगह से बांध दिया जाए और उसे ऑसिलेट करवाया जाए, तो उस जिस्म की मोशन कैसी होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आप एक बाउल लें, उस बाउल के एक साइड से बॉल गिराएं, तो बॉल आहिस्ता आहिस्ता से अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे मोशन करता हुआ स्टॉप हो जाएगा। इस तरह मेलों में अक्सर आपने कश्ती का सफ़र किया, कश्ती पर बैठे होंगे, वो भी अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करती है, बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, दैट इज़ ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी तरह से आगे चल के सिंपल पेंडुलम हम पढ़ेंगे। तो आइए सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल्स स्टडी करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 एग्जाम्पल्स जो इस चैप्टर के अंदर हैं, उनमें वन बाय वन हमें तफसीलन उन एग्जाम्पल्स को, उसकी एग्जाम्पल्स को खसूसन देखना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो आज का हमारा टॉपिक है, उसकी सबसे पहली एग्जाम्पल है मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। एक ऐसा मैस जो किसके साथ बंधा हुआ है? स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है, और उसकी मोशन डिस्कस करते हैं। मोशन ऑफ मैस अटैच्ड विद अ स्प्रिंग, उसकी मोशन देखते हैं। आया उसकी मोशन वाकई ही सिंपल हार्मोनिक मोशन है? वाकई ही वो टू एंड फ्रो मोशन है? वाकई ही बैक एंड फोर्थ मोशन है? तो उसे तफसीलन हम देखेंगे, इसके रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, और फिर रिजल्ट निकालेंगे कि प्रूव करेंगे कि मैस अटैच विद अ स्प्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिचुएशन ये है हमारे पास बेटे स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टेबल है। उस टेबल के ऊपर हमने एक स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग के एक किनारे को मजबूती से बांध दिया, और दूसरे किनारे पे हमने इसके साथ क्या अटैच किया हुआ? एक मैस, एक स्प्रिंग जिसका एक किनारा हमने मजबूती से यहाँ बांध दिया, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, यहाँ से फिक्स्ड है, और दूसरे किनारे के साथ हमने क्या अटैच कर दिया? एक मैस अटैच कर दिया। अब इनिशियली अगर हम इसे गौर से देखें तो ये अपनी वस्ती पोजीशन पे है,
मेन पोजीशन पे है, ना आगे मूव कर रहा है ना पीछे मूव कर रहा है, अपनी मेन पोजीशन पे है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ के साथ मेन पोजीशन को। अभी इस लम्हे इस पे जो फोर्स लग रही है उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, जीरो। अगर इस जिस्म के साथ ये किया जाए कि इस बॉडी को डिस्प्लेस करवाया जाए, अपनी जगह से हटाया जाए, अपनी जगह से मूव करवाया जाए, चाहे वो राइट साइड पे चाहे वो लेफ्ट साइड पे, अगर हम इस पे क्या अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें, जिस्म को पकड़ें, या तो उसे राइट साइड पे ले जाएं या उसे लेफ्ट साइड पे, तो देखिए कैसी तस्वीर बनेगी। अगली तस्वीर में हम देखेंगे कि अगर इस जिस्म को अपनी जगह से हटाया जाए, अपनी जगह से फोर्स लगा के मूव करवाया जाए, तो स्प्रिंग हमें स्ट्रेच्ड होता, खिंचा हुआ, तना हुआ, बढ़ता हुआ साइज में दिखाई देगा। फोर्स के नतीजे में, फोर्स लगा के हमने इसे अपनी जगह से क्या करवा दिया, अपनी जगह से हमने इसे डिसप्लेस करवा दिया, अपनी जगह से हटा दिया है। राइट साइड पे इस पर हमने फोर्स लगा के अपनी पोजीशन से, मैस तो वही है जो पहले था, वही मैस अभी है, हमने इस पर फोर्स एग्जर्ट की और इसे अपनी पोजीशन से हटा के आगे ले गए। इस जगह का नाम ओ था और इस जगह का नाम है बेटे ए। स्टूडेंट्स, इस जगह का नाम है ए, नई पोजीशन जहाँ पे वो मैस हमारी फोर्स एग्जर्ट करने की वजह से पहुँच गया। अब तीसरी दफ़ा हम अगर देखें, जब इसे हम रिलीज़ करेंगे, इस मैस को छोड़ा जाएगा, तो ये मैस, इस मैस के पास हमने जो इनिशियली इस पे फोर्स लगाई थी उसकी वजह से इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आ गई है। क्या मतलब, जब हम किसी जिस्म को फोर्स लगा के, और जिस्म देखिए किसके साथ बंधा हुआ है, इलास्टिक बॉडी के साथ, स्प्रिंग इज़ अ इलास्टिक बॉडी, ऐसा जिस्म जिसे खींचे तो लंबा हो जाएगा, दबाएं तो दब जाएगा, लेकिन जैसे ही उससे फोर्स हटेगी, मैट्रस के ऊपर जब तक हम बैठे रहते हैं वो दबा रहता है, जैसे ही उठे अपनी जगह पे वापस आ जाता है। इसी तरह से ये जिस्म स्प्रिंग के साथ बंधा है, तो मैस को खींचने पे ये स्प्रिंग क्या हुआ, इसकी लंबाई में इजाफा हो गया। सो क्या था यहाँ पे, हुक्स एक साइंसदान है जिसने ये कहा, अकॉर्डिंग टू यहाँ लिखते हैं, हुक्स ने ये कहा था, हुक्स ला ये कहता है कि जब भी किसी जिस्म को अपनी वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेस करवाया जाए, जब भी किसी जिस्म को अपनी वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेस करवाया जाए, तो उस जिस्म के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स आ जाती है, बदले की फोर्स आ जाती है। जो बदला लेना है वो फोर्स क्या चाहेगी, उसे अपनी किस तरफ लेके आएगी, वस्ती पोजीशन की तरफ। जब भी हम किसी जिस्म को अपनी वस्ती पोजीशन से हटाएंगे, तो एक फोर्स उसमें आ जाएगी जो क्या करेगी, उसे अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ लेके आना चाहेगी। उस फोर्स की मिकदार कितनी है, उस फोर्स की मिकदार किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे। जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करवाओगे, जितना ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे, जितना ज़्यादा परेशान करोगे, उतनी ताकत, उतनी बदले की फोर्स, उतनी बदला लेने की जो होगी उसकी, वो उतनी बढ़ती जाएगी, और नतीजा क्या निकलेगा, वो रीस्टोरिंग फोर्स। इसी तरह से कभी अच्छे मार्केट में हम चले जाएं या बैंक्स के अंदर चले जाएं, तो दरवाज़ा जो उनका मेन डोर है उसे खोलते हैं, पुश करते हैं, तो पुश करते हुए फोर्स कितनी ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है। क्या उसे बाद में हमें बंद करना पड़ता है, नहीं, वो हमारी फोर्स, अगर आप ऊपर देखें तो स्प्रिंग लगा है, उस फोर्स हमारी उस स्प्रिंग में स्टोर होती जाती है, और जैसे ही हम छोड़ते हैं वो स्प्रिंग आप ही की फोर्स को स्टोर करके दोबारा उस जिस्म को कहाँ ले आता है, वापस। इसी तरह जब भी किसी जिस्म पे फोर्स लगाई जाए, चाहे वो लेफ्ट साइड राइट साइड पे हो, लेफ्ट साइड पे हो, उसके अंदर एक फोर्स आती है, एक फोर्स जमा हो जाती है, जो इस जिस्म को हमेशा किस तरफ लेके आएगी, हमेशा किस तरफ लेके आएगी, टूवर्ड्स अ मेन पोजिशन। और उस फोर्स का नाम आगे चल के हम देखेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे मोबाइल को रिस्टोर करते हैं अपनी पहली हालत में लेके आना, एक ऐसी फोर्स जो जिस्म को अपनी पहली हालत में लाए। तो हुक्स ने ये कहा था कि जब भी हम किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाएं, फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर दें, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसके अंदर एक फोर्स आएगी, उसके अंदर एक फोर्स आ जाएगी जो उसे हमेशा कहां लेके आएगी, मेन पोजीशन की तरफ। तो दैट फोर्स किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्ले, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा फोर्स उसे वापस लाने वाली पैदा हो जाएगी। और मनफी का साइन यहाँ क्या बता रहा है,
अपोजिट साइड। अगर आप उसे राइट साइड डिस्प्लेस करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स उसे लेफ्ट लेके आएगी। उसी दरवाजे को, उसी बैंक के दरवाजे को पुल करके देख लीजिए, जब पुल करके छोड़ेंगे फिर भी वो अपनी वस्ती पोजीशन में, जब पुश करके छोड़ेंगे तब भी वस्ती पोजीशन। इसी तरह उस फोर्स का नाम जो बॉडी को डिस्टर्ब करने पे, डिस्प्लेस करने पे अपनी वस्ती, अपनी पहली पोजीशन, अपनी असल हालत में लेके आए, उस फोर्स का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स की यहीं से तारीफ देख लेते हैं, अ फोर्स दैट पुशेस और पुल्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को हमेशा अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ पुश करे या पुल करे, खींचे या धकेले, उस फोर्स का नाम रीस्टोरिंग फोर्स। और उसका आइडिया हुक्स ने दिया। और ये खास तौर पे किन बॉडीज के लिए है, याद रहे बच्चों कि ये खास तौर पे है इलास्टिक बॉडीज के लिए। इलास्टिक बॉडीज में ऐसा जाहिर होता, नजर आता भी, दिखता भी है। अब जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया जाए, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म किया जाए, तो हम जानते हैं यहाँ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा माइनस अप कांस्टेंट। यहाँ पे के है और इस कांस्टेंट का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि बात किसकी हो रही है, स्प्रिंग की। दिस के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। और अगर हम हाँ यहाँ से के की कीमत चाहिए हो, देन के विल बी इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। के की कीमत, के इज़ ए स्प्रिंग कांस्टेंट, के की कीमत किस पे डिपेंड करती है, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग पे। जितना ज़्यादा स्टिफ, स्टिफ कहते हैं सख्त, बाइक के अंदर भी स्प्रिंग लगा होता है, इसी तरह पेंसिल के अंदर भी स्प्रिंग है, कौन सा स्टिफ है ज़्यादा, जो बाइक का स्प्रिंग है दैट इज स्टिफ। और जो स्टिफ ज़्यादा हो उस पर फोर्स क्या लगानी पड़ती है, ज़्यादा पुश क्या करना पड़ता है, ज़्यादा। तो स्टिफनेस, के की कीमत स्टिफनेस पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा स्टिफ, जितना ज़्यादा सख्त उतनी के की वैल्यू ज़्यादा, और जितना नरम, जितना सॉफ्ट उतनी के की वैल्यू कम। ये एमसीक्यू भी आता है कि ऑन व्हाट फैक्टर द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्टिफनेस, स्प्रिंग स्टिफ है, सख्त है तो के ज़्यादा, अगर स्प्रिंग सॉफ्ट है तो के कम। दैट इज डिफाइंड बाय द हुक्स। हुक्स ने ये बताया था कि जब भी किसी जिस्म को डिस्प्लेस करवाया जाए लेफ्ट और राइट, एक फोर्स उसके अंदर आ जाएगी जो उसे हमेशा वापस ड्रैग करेगी, खींचेगी टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। ये था जी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अच्छा, तीसरी पोजीशन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अगर इसी फिगर को हम देखें, वही हमारे पास टेबल है, वही बॉडी जब हमने थोड़ी वक्त के बाद देखी, तो ये स्प्रिंग कैसा दिखा, वही जिसम, वही मैश था, स्प्रिंग क्या हो गया, कंप्रेस अपनी वस्ती पोजीशन, वस्ती पोजीशन से अब भी क्या हो गया, वो डिस्प्लेस हो गया है, अपनी वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेस। ये उसकी वस्ती पोजीशन थी, यहाँ ओ से अपनी वस्ती पोजीशन, ओ से कहाँ पे हमने उसे खींच के रखा, ए पे रिलीज किया, ओ पे आया होगा, ओ से रुक नहीं सका इनर्शिया की वजह से, कहाँ चला गया, बी पे चला गया, नई पोजीशन बी पे चला गया, और आहिस्ता आहिस्ता से ये मोशन कंटिन्यू होगी, स्लो डाउन होते हुए रुक जाएगा। अच्छा, एक फोर्स तो ये हुक्स ने कही, अब एक फोर्स का आइडिया न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने कहा था जब भी किसी जिस्म पे फोर्स लगे तो समझ जाओ उस फोर्स की वजह से बॉडी में क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। दिस वन इज अ फोर्स डिफाइंड बाय हुक्स एंड दिस फोर्स इज डिफाइंड बाय न्यूटन। दोनों फोर्सेस क्या हैं, दोनों ही फोर्सेस हैं। अगर मैं एफ की ये एफ की कीमत जाके इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दूं, देन क्या बनेगा वो इक्वेशन वन, क्या शक्ल इख्तियार कर लेगी, लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, एफ की जगह एम ए, राइट साइड पे क्या आएगा, माइनस के एक्स। मुझे यहाँ ए की कीमत चाहिए, ए विल बी इक्वल टू माइनस के ओवर एम इन टू एक्स। ज़रा इस फैक्टर को गौर से देखिए, ये फैक्टर क्या है, के वॉज ऑलरेडी अ कॉन्स्टेंट, के तो कॉन्स्टेंट था, क्या इस सारी मोशन के दौरान मैस चेंज हुआ, क्या मैस में कमी या इजाफा हुआ, क्या मैस की वैल्यू बढ़ी या कम हुई, नो। पूरी मोशन के दौरान हमने देखा मैस तो चेंज नहीं हुआ, मैस यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही। इसका मतलब मैस इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। और जब किसी कांस्टेंट को ख़त्म किया जाए तो दोबारा से हम उसकी जगह पर प्रोपोर्शनैलिटी, माइनस अपनी जगह पे, एक्स अपनी जगह पे आ जाता है। दैट इज़ अनदर रिजल्ट। ये रिजल्ट क्या डिफाइन कर रहा है, ये रिजल्ट क्या डिफाइन कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ये रिजल्ट क्या बताता है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन माइनस साइन क्या बता रहा है, अपोजिट टू ईच अदर। एक्सेलरेशन
कितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पैदा करोगे उतना ज़्यादा जिस्म में एक्सेलेरेशन होगा। लेकिन मुखालिफ किस तरफ, मुखालिफ अगर डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे है तो एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स मेन पोजीशन। अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड पे है, इसका मतलब ये निकला जिस तरह से रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किस तरफ थी, मेन की तरफ, इसी तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन करते जिस्म का एक्सेलेरेशन भी किस तरफ हुआ करता है, मेन पोजीशन की तरफ। ये इसका एक छोटा सा रिजल्ट है कि जब भी कोई जिस्म क्या करते देखो, वाइब्रेटरी मोशन करते देखो, टू एंड फ्रो मोशन करते देखो, बैक एंड फोर्थ मोशन करते देखो, तो उस पर क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फोर्स हमेशा उसे कहाँ रोकना चाहती है, कहाँ स्टॉप करना चाहती है, कहाँ लेके आना चाहती है, अपनी मेन पोजीशन। इसी तरह उसका एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, वो हमेशा उसे मजबूर करेगा किस तरफ आने को, किस तरफ आने को, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ये एक अनदर रिजल्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो यहाँ से हम करते हैं कि फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही सीमत में है, चाहे डिस्प्लेसमेंट राइट साइड ले जाओ, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड ले जाओ, हमेशा फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही सीमत में होते हैं। और वो सीमत डिफाइंड है, और वो सीमत कंफर्म है, और वो सीमत पता है वो क्या है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। दरवाजे को पुश करो, पुल करो, उसने आना हमेशा अपनी मेन पोजीशन पे है। झूले को पुश करो, पुल करो, उसने आना हमेशा अपनी मेन की तरफ है। और वो मेन की तरफ लेके आने वाला कौन है, रीस्टोरिंग फोर्स, उसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये इसका रिजल्ट है। दो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, बट अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, डिस्प्लेसमेंट राइट, एक्सेलरेशन लेफ्ट, मेन की तरफ। ये थे यहाँ से रिजल्ट्स। अब आइए इस डायग्राम को ज़रा तफसील एंड डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जब कोई बॉडी अपनी मेन पोजिशन पर थी, जब ये जिसम स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ मेन पोजिशन पर था, तो फोर्स क्या थी, ज़ीरो थी। फोर्स क्या थी इस वक्त, ज़ीरो थी। कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं, कोई बदले की ताकत नहीं, कोई ऐसा उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। लेकिन जब मैंने इसे खींचा, जब मैंने इस पर क्या पैदा किया, डिस्प्लेसमेंट पैदा किया, और कहाँ ले गया इसे, ए की तरफ। जब मैं ए पे जाके इसे रिलीज़ करूँगा तो ये बॉडी किस तरफ मूव करेगी, जब मैं इसे ए पे जाके रिलीज़ करूँगा तो ये बॉडी ऑफकोर्स यकीनन किस तरफ भागती हुई आएगी, किस तरफ आएगी जी, ये ए फिगर नंबर ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। जब हम इसे रिलीज़ करेंगे तो ये बॉडी हमेशा किस तरफ आएगी, किसकी वजह से, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। इसको अपने जहन में रखिए, जैसे दरवाज़ा बैंकों का या दरवाज़ा मार्केट्स का, दरवाज़ा बेकरी का, इसे पुश करते हैं तो वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। उस दरवाज़े के अंदर भी स्प्रिंग है जो उसे पुश और पुल करता है अपनी वस्ती पोजीशन जहां उसने बंद होना है। इसी तरह जब मैं यहां के रिलीज़ करूंगा तो रीस्टोरिंग फोर्स इसे यहां लेके आएगी। क्या ये यहां आने पे, अब मुझे बताएं, यहां पे आते हुए इसकी वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी, यहाँ आते आते वेलोसिटी तेज तरीन हो जाएगी, फास्टेस्ट वेलोसिटी। और जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो, वह एक्सेलरेशन ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो। यहाँ पे जब बॉडी आएगी देन वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। और जहाँ वेलोसिटी, जिन जगहों पे वेलोसिटी मूव करते हुए ज़ीरो है, वहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम समझा जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि जब बॉडी यहाँ पे आएगी क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स इसे लेके आएगी। क्या यहाँ ये रुकवाएगा, क्या ये जिसम यहाँ रुक जाएगा ओ पे, अपनी पहली ही स्टेट में पहली ही दफ़ा यहाँ रुक जाएगा, नहीं। इसका इनर्शिया इसकी मोशन को क्या करवाएगा, कंटिन्यू करवाएगा। क्योंकि इनर्शिया क्या चाहता है जिसमों से, हम नाइन्थ में पढ़ते हैं, इनर्शिया एक ऐसी ताकत है जो मोशन करते जिसम को मोशन करवाना चाहता है, और रेस्ट में जिसम को रेस्ट में चाहता है। तो ये जिसम यहाँ आएगा तो क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो चुकी होगी, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स का काम यहाँ लेके आना था, उसने तो अपना काम कर दिया। अब इसका इनर्शिया इसे क्या करवाएगा, इसे कहाँ लेके जाएगा, बी पे लेके जाएगा। इनर्शिया इससे एक्स्ट्रा काम करवा देगा, बी पे चला जाएगा। और जब बी पे जाएगा, बी पे जाते हुए दोबारा से इसके अंदर क्या पैदा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अपनी मेन पोजीशन से हट रहा है। और जब जब कोई जिसम अपनी मेन पोजीशन से हटता है, उसमें बदले की ताकत, उसमें रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब वो बी पे पहुंचेगा, फिर मैक्सिमम रीस्टोरिंग फोर्सेस के पास होगी, वेलोसिटी फिर से जीरो, वेलोसिटी फिर से जीरो, एक्सेलरेशन फिर से मैक्सिमम, एक्सेलरेशन फिर से यहां पे मैक्सिमम था, यहां पे मैक्सिमम। अब इनर्शिया इसे यहां ले आए, अब रीस्टोरिंग फोर्सेस कहां लेके जाएगी, ओ की तरफ, फिर नहीं रुक पाएगा। और ये सिलसिला कुछ वक्त के लिए चलता रहेगा, क्योंकि जिस्म के अंदर जब तक इनर्शिया रहेगा
रिस्टोरिंग फोर्स उस पर काबू पाने की कोशिश करती रहेगी, और आहिस्ता 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 क्या नतीजा निकलेगा, बॉडी ऑसिलेटिंग मोशन करते हुए, वाइब्रेटिंग मोशन करते हुए, टू एंड फ्रो मोशन करते हुए कहाँ स्टॉप हो जाएगी। एट द एंड रिजल्ट ये होगा, कुछ फ्यू सेकंड्स के बाद ये बॉडी अपनी वस्ती पोजिशन वो पर रुक जाएगी। ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक, जिसकी हमने पहली मिसाल पढ़ी, उसका नाम है मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। जब कोई जिसम किसके साथ बंधा हो, स्प्रिंग के साथ, इनिशियली हमने उसकी हालत देखी, फर्स्टली जब फोर्स जीरो थी, डिस्प्लेसमेंट जीरो था, मेन पोजीशन पे था मैस, फिर हमने उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करके इसे यहाँ ले गए। अब वो फोर्स छोड़ दीजिए जो हमने लगाई थी, अब जब इसे रिलीज करेंगे तो हुक्स ने कहा जब एक इलास्टिक बॉडी को अपनी जगह से हटा के छोड़ा जाता है, मैट्रेस के ऊपर बैठने के बाद उठा जाता है, तो मैट्रेस का स्प्रिंग उसे अपनी पहली हालत में ले आता है। दरवाजे को खींच के जब छोड़ा जाता है जिनमें वो स्प्रिंग लगा हो, तो वो स्प्रिंग उसे वापस अपनी जगह पर, इसी तरह से जब इसे छोड़ा जाएगा तो इसके अंदर बदले की ताकत, रिस्टोरिंग फोर्स इसे कहाँ लेके आना चाहेगी, मीन की तरफ। मीन पर नहीं रुकेगा क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा है, और इनर्शिया कहाँ ले जाएगा इसे, बजाय यहाँ रोकने के यहाँ ले जाएगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स से वापस लाएगी, और आहिस्ता 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 फ्रिक्शन रगड़ की वजह से इसकी स्पीड, इसका मोमेंटम कम होती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी वस्ती पोजीशन पर रुक जाएगा। ये था मैस, मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। और लास्ट पे अगर हमसे ये कहा जाए कि सारी मोशन के दौरान टाइम पीरियड फाइंड करके देखिए, टाइम पीरियड उसके अलावा जो हमने किया देख लीजिए, हुक्स के अकॉर्डिंग फार्मूला एफ डायरेक्टेड मोशन माइनस एक्स का हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि डिफाइन किया हुक्स ने, ये रिलेशन आ गया के इज़ स्प्रिंग कांस्टेंट, के की कीमत किस पर डिपेंड करती है, के निकालना हो तो के इज़ इक्वल टू माइनस एफ ओवर, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, हुक्स का कानून भी आता है। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन इनकी सिमत मुखालिफ है। फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड तो फोर्स कहाँ लेके आएगी उसे, राइट साइड मीन की तरफ, अगर डिस्प्लेसमेंट राइट साइड तो लेफ्ट साइड तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन की तरफ। ये था फिर उसके बाद न्यूटन के अकॉर्डिंग एफ किसके बराबर है, वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये रिजल्ट निकला। लास्ट पे अगर हमसे पूछा जाए इस मोशन के दौरान, इस मोशन का टाइम पीरियड कितनी देर बाद बॉडी, एक वाइब्रेशन का टाइम कितना है, कितनी देर में बॉडी अपनी वस्ती पोजीशन से आगे जाके दोबारा इस जगह पे आ जाएगी, और टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला फर्स्ट ईयर में बकायदा से हम करेंगे, डेरिवेशन भी, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे टी इज इक्वल टू 2πm ओवर के। ये क्या बताता है कि मैस, मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग का टाइम पीरियड दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है मैस जो अटैच किया गया है, और के फिर से वही स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नरम है या हार्ड है, सॉफ्ट है या स्टिफ है, उस पर डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, किसी और फैक्टर पे, जी पे डिपेंड नहीं करता, किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग का टाइम पीरियड दो फैक्टर्स पे, मैस पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे, इस रिलेशन से जाहिर होता है। ये रहा आज का हमारा पहला टॉपिक 10th क्लास का, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके लेक्चर की समझ आई होगी। अपने क्वेश्चंस, अपनी क्यूरीज कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, पूछिए, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल पर जाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू।